welcome to AND US Food. आज हम अपने किचन में बनाएंगे खट्टी मीठी इमली की चटनी, जो कि मेरी अपनी रेसिपी है। तो इसके लिए जो चीज़ें मैंने ली है, सबसे पहले चूँकि हम इमली की बना रहे हैं चटनी, तो हाफ के जी मेरे पास इमली है। ये इस तरह से आप हाफ के जी इमली ले लें। इसके साथ ही एक कप चीनी है, वाइट शुगर। उसके बाद स्पाइसेस, में बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं मैं डाल रही, चूँकि अगर हम बहुत ज़्यादा स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे तो खाने के बाद ना प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। तो इसके लिए सफ़ेद ज़ीरा हाफ टी स्पून है, हाफ टी स्पून ही लाल कुटी हुई मिर्च है, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पिसी हुई, और हाफ टी स्पून ही इसके साथ काला नमक है। और पानी हम लेंगे हसबे ज़रूरत, जितना भी इसमें जाएगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो चले स्टार्ट करते हैं रेसिपी। यहाँ पर मैंने एक देगची ली है जिसके अंदर हमने इमली की चटनी तैयार करनी है। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये इमली। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी मैं आपको बताती हूँ, मैं एक ग्लास के साथ मैयर करके बताऊंगी ताकि ये आसानी हो जाए कि मैंने कितना यूज किया पानी। तो ये इसमें ये नॉर्मल ग्लास है मेरे पास पानी पीने वाला, एक ग्लास डाल दिया, दो, अंदर मैंने चार ग्लास पानी डाल दिया है। और ये देख सकते हैं आप, ये इमली अच्छी तरह से इसके अंदर डिप हो गई है। तो चले हम इसको लेके जाते हैं कुकिंग के लिए। इमली को देगची के अंदर डाल के चूल्हे पे चढ़ा दिया है, तो फ्लेम मैंने कर दी है फुल। तो हम इसको तकरीबन 10 मिनट तक अच्छी तरह उबाल आने देंगे, इसको पका लेते हैं तकरीबन 10 मिनट तक। आप देख सकते हैं इसको तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं पकाते हुए मुझे। तो अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको 5-7 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। मैं कर देती हूँ यहाँ पे फ्लेम ऑफ। यहाँ पर मैंने एक बड़े वाला बाउल ले लिया है जिसके अंदर अब हमने इमली की पल्प शिफ्ट कर देनी है। तो नीचे ये रख लिया, बाउल रख लिया, इसके ऊपर इस तरह की आपको इसी भी जाली वाला जो है छन्ना आपके पास, आप वो रख लें, या बारीक छलनी है वो भी आप ले सकते हैं। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे इमली की सारी पल्प। अब देगची के अंदर जो थोड़ी बहुत बच गई है पल्प हमारे पास, वो भी मैं उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके वो भी इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि अब हमने इस वाली देगची को धो लेना है, धो के हमने दोबारा इसी के अंदर ही तैयार करनी है इमली की चटनी। अब ये सारी पल्प को हमने मिक्स करते जाना है। इस तरह का स्पैचुला ले लें, आप हाथ की मदद से भी ये काम कर सकते हैं, तो मैं स्पैचुला के साथ ही करूँगी। इसको अच्छी तरह यूँ दबाते जाएं ताकि गुठलियों के साथ से सारी इमली की पल्प अलग होती जाए। थोड़ा थोड़ा सा हम इसके साथ पानी शामिल करते जाएंगे और यूँ इसको मसल के हम अच्छी तरह से पल्प को अलग कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैं ये पानी डाल रही हूँ इसके साथ। पहले मैंने 4 ग्लास पानी डाला था, अभी भी जितना डलेगा मैं आपको बताऊँगी कि कितना पानी हमने ये गुठलियों को पल्प के साथ से अलग करने के लिए हमने यूज़ किया। ये देखें काफ़ी हद तक हमारे पास जो पल्प है इसकी इमली की वो आ चुकी है और गुठलियाँ इसके अलग हो गई हैं। और मैंने पानी इसमें कह लेंगे यही वाला ग्लास जिससे मैंने पानी पहले मैयर किया था, वही वाला ग्लास है जोन सा लेके मैंने 2 ग्लास पानी अभी डाल दिया इसमें पल्प निकालते हुए। और ये अब हमारे पास बिल्कुल रेडी है पल्प सारी। अगर आपको इससे इजी ना लगे, जैसे कि प्रॉब्लम हो रही है करने में या मतलब मुश्किल लग रहा है ये काम, तो आप इजीली इसको हाथ के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपने कुक होने के बाद इमली की जो पानी था हमारे पास उसको आपने ठंडा करना है 10-15 मिनट के लिए, इसको ठंडा करें। अगर आप स्पैचुला से ना करना चाहें तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो चलें हम इसको हटा देते हैं, ये हमारे पास सारा वेस्ट। अब जी यहाँ पर दोबारा वही वाली देगची को मैंने धो के तो चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है, साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ वही इमली की पल्प जो मैंने निकाली थी। अब ये देख लें कि इसको मैंने जब इसके अंदर डालना है तो बिल्कुल जो इसकी जो निचली तह होगी हमने वो इसके अंदर नहीं डालनी, क्योंकि अमूमन इमली के अंदर मिट्टी वगैरह होती है जो कि इसके अंदर चली जाती है। ये देखें आप, अगर हम ये अंदर इसके डाल देंगे तो इसके अंदर काफ़ी सारी मिट्टी चली जाएगी, तो इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, फ्लेम आपने मीडियम रखनी है।
अब जितने भी स्पाइसेस थे मैंने आपको बताए थे आगे वो सारे इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही इसमें चली जाएगी चीनी। तकरीबन जब इमली की चटनी हल्की हल्की सी गाढ़ी हो जाएगी तो आप उस टाइम पे आप इसमें नमक और चीनी चेक कर सकते हैं। अगर आपने कम या ज़्यादा करनी होगी तो आप इजीली कर सकते हैं। ये देखें जी, काफ़ी हद तक चटनी जो है वो गाढ़ी हो गई है। इसके मैंने चीनी और नमक चेक कर लिया है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठी रखनी है तो आप इसमें कह लें कि 3 से 4 टेबल स्पून आप चीनी मज़ीद डाल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये बिल्कुल परफेक्ट थी जो मैंने आपको मेजरमेंट इसकी चीनी की बताई थी। तो अभी इसको 5-10 मिनट मज़ीद अभी लग जाएंगे। फ्लेम बिल्कुल नॉर्मल है जिसके ऊपर मैं इसको कुक कर रही हूँ। इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर नहीं डालेंगे क्योंकि कॉर्नफ्लोर ऐड करने से ना इसका वो टेक्सचर नहीं रहता जो कि वैसे बना होता है। तो मतलब अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, वरना मैं तो नहीं डाल रही इसमें। इसको हम वैसे ही पका के गाढ़ा कर लेंगे। तो लें जी, इमली की चटनी बिल्कुल तैयार है। ये आपने भी इतनी ही थिक करनी है, हमें ये इसी कंसिस्टेंसी में चाहिए थी। तो ये बिल्कुल रेडी है पक के। बहुत ज़्यादा गाढ़ी अगर हम इसको पकाने के दौरान ही कर लेंगे तो जब हमने इसको फ्रिज में रखना है तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो गाढ़ी हो जाएगी। हमने ये इतनी सी पतली छोड़ देनी है बस, ये फ्रिज में रखने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएगी। तो अब ये थोड़ी सी ठंडी होने के बाद मैं इसको जार में डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने इमली की चटनी ठंडी होने के बाद, ये एक जार है ग्लास का, इसके अंदर मैंने शिफ्ट कर दी है। तो ये देख सकते हैं आप, ये बहुत ही मज़ेदार बनी है, आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। हम इसको बना के तकरीबन कह लें 1 से 2 माह तक इजीली आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और निकाल के खा सकते हैं। और अगर मतलब बाज़ कंप्लेन होती है कि जी इसको फंगस लग जाती है फ्रिज में पड़े पड़े, तो इस सूरत में आप इसको प्लास्टिक का जार लेके उसमें डाल के तो आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं, ये जमेगी नहीं। जब भी आपने यूज़ करनी है पहले आप इसको निकाल के रूम टेम्परेचर पर इसको रख दें तो ये बिल्कुल नॉर्मल ऐसे ही लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है इमली की चटनी की तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी लाजमी कीजिएगा। दो में याद रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।